सो हे गाइस, वेलकम टू इशिका यादव ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जुड़े रहेगा इस ब्लॉग के एंड तक। तो देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है, तो चलिए मेरे साथ। टाइम हो रहा है कि 10 बज रहे हैं घड़ी में और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। देखो, तो मैंने सोचा सबसे पहले पूजा कर लेते हैं क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं और उसके बाद हम काम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पूजा करते हैं। बज रहे हैं तो मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको घड़ी में कि ये देखो, सामने घड़ी में 1:30 बज रहे हैं और यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रही थी मैं। और ये लड़की है जो पढ़ने का नाम नहीं ले रही है। बैठ के पढ़ो, चलो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, पढ़ो पढ़ो। यहाँ पर मैं स्केल लेके आई थी इसके लिए, इस लड़की ने मुझसे छीन लिया। वापस दो मेरा स्केल, दो वापस। ठीक है, चलो बैठ के पढ़ो, जल्दी से बनो, पढ़ो। अभी इसने कहा कि वीडियो बनाओ, मैं पढ़ूंगी अच्छे से। अभी इसने कहा कि वीडियो बनाओ अच्छे से, मैं पढ़ूंगी। तो ये पढ़ के दिखाएगी आप सबको, देखना। बी फॉर ट्री। बी फॉर क्या होता है? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो बोलो। भूमि, वीडियो बन रही है। सी फॉर डॉग। बहुत पिटाई होगी इस लड़की की, बहुत ज्यादा पिटाई होगी। देना स्केल मुझे, मुझे दो स्केल, मैं बहुत मारूंगी इससे। मेरा नहीं है, पढ़ो बैठ के। और ये जो होमवर्क दिया है ना, ये करके आना है दोनों नोटबुक का, समझे? समझे कि नहीं समझे? पढ़ के दिखाओ, ये क्या है भूमि? और ये क्या है नीचे जो बना है, नीचे क्या है? ये देखो, कह रही है वीडियो बना, मैं पढ़ूंगी। पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ के दिखाओ। तो गाइस, अभी मैं छत पे आ चुकी हूँ। आज का मौसम थोड़ा बेटर है बिकॉज हमारे यहाँ कल बहुत ज़्यादा बारिश आई है, सुबह से लेकर रात तक बहुत ही ठंडा माहौल है हमारे यहाँ। अभी मैं दिखाती हूँ आसमान कैसा है हमारे यहाँ का। दिखाती हूँ, ये देखो क्या मस्त बादलों में से धूप निकल रही है थोड़ी थोड़ी सी, एकदम अच्छा लग रहा है इसको देख के, अच्छा अच्छा सा लग रहा है। इधर का तो क्लियर है, इधर की साइड ऐसा सा हो रहा है। अभी देखो शाम का टाइम हो रहा है, अभी यहाँ पे बच्चे भी आएंगे, यहाँ देखो नीचे खेलने लगे हैं, सबके एग्जाम्स ओवर हो गए हैं। सो एग्जाम्स की टेंशन सबकी ख़त्म हो चुकी है। दिखाती हूँ मैं नीचे, मैं सबसे टॉप पे खड़ी हूँ, यहाँ से दिखाती हूँ। यहाँ से देखो ये सारे के सारे खेलने आ चुके हैं, इनका ये शुरू हो जाएगा 7:30 बजे तक, जब तक अंधेरा नहीं होगा ना, अंधेरा नहीं हो जाता ये लोग खेलते ही रहेंगे। इसको मैगी खानी थी तो इसने मुझे भेजा बाजार में, कह रही है कि मैं रसोई में घुसी हूँ तो कुछ अच्छा ही बनेगा, बनेगा अच्छा। वैसे तो मैं किचन में बहुत कम कुछ बनाती हूँ, बट आज अगर मैं कुछ बनाने के लिए घुसी हूँ ना तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही बनेगा। इसको अपने ऊपर ज्यादा भरोसा है, देखते हैं इसका भरोसा कामयाब होता है कि नहीं। भरोसा नहीं है, मैगी बनाने का तो एक्सपीरियंस भी बहुत है मुझे, बचपन से मैगी भी तो जीती आई है। मैं जब फूड बहुत कम, सो गाइस इसने सुबह से परेशान कर रखा था मैगी मैगी लाने के लिए, अब इसके लिए मैगी ले आई। फाइनली इसने मेरी वीडियो भी बनाई है, बाहर से निकल गई थी जब मैं, तब अब ये बना रही है अपनी मन की ख्वाहिश पूरी कर ले। दिखा रहे मैगी यार। हाँ, आज मुझे ऑरिगेनो वाली मैगी खाने को बहुत दिनों से मन करा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बनाया जाए, क्योंकि घर पे आज सिर्फ तो ये खा ही लेगी सूखी मैगी का, तो बनाएगी क्या है। आई जस्ट लव रॉ मैगी। जल्दी हो ना, जल्दी। अरे इसको तो बनानी भी नहीं आ रही है, देखो। नहीं बता, एक मैगी के पैकेट में कितना चाहेगी तू? देखो अभी थोड़ी मैगी बच भी गई, अपने लिए बचा ली है कि खाऊंगी मैं। नहीं यार, गरम था पानी, पैर पे आ रहा है। उबल जाएगी ना आज मैगी, बन जाएगी। अगर आज मैगी बन गई तो मैं लोगों को दिखा दूंगी कि फाइनली रितिका ने कुछ बना लिया हमारे घर पे। ये
क्योंकि रितिका रसोई में नहीं घुसती है, खाने के बाद ही पता लगेगा कि कैसी बनी है। तो खाते हैं ले, और हम इसमें स्प्रिंग तो डाल, और क्या नो स्पेशल मैगी बनाई है बिना सूप की, बिना सूप बस। देखते बच्चों सारा अपने अंदर डाल ले, एक ही कटोरी निकाल बस बस। अब जल्दी से इसकी मैगी खाते हैं और बताते हैं इसने कैसी मैगी बनाई है। अभी तो बहुत गर्म है, धुआं निकल रहा है। ठीक ठाक है, टेस्टी है, पास हो गई तू, बस ऐसे ही काम करती रहे। तो आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया और टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।